कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर से 14 किलोमीटर दूर गर्जिया देवी मंदिर के परिसर में नवरात्र के मौके पर हजारों किलोमीटर दूर से माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर में सुबह 4 बजे से ही लंबी श्रद्धालुओं की कतारें लग रही हैं। गिरजा देवी मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर कोसी नदी के बीच में टीले पर मौजूद है। गिरजा देवी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना सच्चे दिल से मांगी जाती है वो पूरी होती है। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। वहीं मंदिर में पहुँच रहे श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर की काफी प्राचीन मान्यता है और यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है। हम यहाँ पे माता रानी के दर्शन करना है, इस चीज के लिए आए और दर्शन करना है अपने पति के देव के साथ। मानते हैं मनोकामना पूरी होती है तो दोबारा आते हैं यहाँ पे, सब लोग विश्वास के साथ आते हैं। आस्था होने के कारण मैं भी यहाँ आया हूँ और आज फास्ट भी है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं स्नात में सबकी श्रद्धा मैं देख रहा हूँ। काफी बहुत ही श्रद्धा है माता के प्रति और जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ये गर्जिया माता नाम है माता का और आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ आए। सुना है कि यहाँ पर जो गर्जिया माता है उनकी बहुत बड़ी मान्यता है और सभी श्रद्धालु और जितने भी यहाँ पर शरणार्थी है वो सभी यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। माता का मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, ये कहते हैं कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है मंदिर। यहाँ नवरात्रियों में हो गया, नवरात्रियों में काफी लोग आते हैं, तो सभी लोगों का कारोबार जो है अच्छा चल रहा है। लोग बाहर से आते हैं अपने घास में गांठ लगा के जाते हैं, उसके बाद उनकी मान्यता पूरी होती है। मान्यता पूरी होने के बाद वो लोग फिर आते हैं, उसके बाद वो प्रसाद वगैरह जो चढ़ावा बोला होता है वो उसको चढ़ा के अपनी मन्नत का वो करते हैं। सही कारोबार जुड़ा हुआ है, हम इसी पर आश्रित हैं। बाकी हम लोग मुझे यहाँ 40 साल से मैं यहाँ पर कारोबार कर रहा हूँ। माता रानी के पास हमारा पूरा कारोबार भी चलता है, घर भी चलता है। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज पांडे ने बताया कि नवरात्रों के दिनों में यहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ रहती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में राजा विराट ने यहां देवी की तपस्या की थी, तब से ही टीले में शक्तिपुंज की स्थापना हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहां जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना लेकर आता है गर्जिया देवी उसकी मनोकामना पूरी करती है। कि राजा विराट ने यहां पे मां पार्वती की उपासना करी। राजा विराट जो पांडव काल में पांडवों को अज्ञातवास में ठहराया था, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक विराट नगरी भी है जहाँ पे उन्होंने अपना पूजा अर्चना करी थी, शिव जी की आराधना करी थी और यहाँ इस टीले के ऊपर पार्वती की आराधना करी थी और मोक्ष प्राप्त हुआ था राजा विराट को। और तब से ये स्थान सिद्धिपीठ के रूप में, ये शक्तिपीठ ना होकर ये सिद्धिपीठ है। 108 हमारे शक्तिपीठ हैं देश के, उन शक्ति सिद्धिपीठों में ये एक स्थान है। ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली, शुरू से ही ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रहा है और क्योंकि इसके नीचे कौशिकी नदी बहती है, यहाँ पे माँ भगवती के चरणों से होकर निकल रही है, बहुत पावनी कौशिकी नदी जो माँ के चरणों से होकर यहाँ पे जा रही है और हजारों लाखों लोगों का सैदाबाद केंद्र जो माँ गिरजा देवी का मंदिर इस समय है बना हुआ है, जहाँ देश ही नहीं विदेश से तक यहाँ पे पर्यटक और दर्शनार्थी यहाँ माँ भगवती के दर्शन करने आते हैं। और कई सवालों हम बताते रहते हैं यहाँ के बारे में, तो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते यहाँ से जाते हैं, उनकी मनोकामना माँ भगवती अवश्य पूरी करती है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक मिट्टी का बड़ा सा टीला कोसी नदी के साथ बहकर आया था और बटुक भैरव देवता उस टीले में विराजमान गर्जिया माता को देखकर उन्हें रोक कर कहते हैं देवी ठहरो और यहां मेरे साथ निवास करो। हजारों साल पहले बटुक भैरव की ओर से रोका हुआ ये टीला आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। साल 1980 में 108 महादेव गिरी बाबा यहाँ पहुंचे तो उनके शिष्य ने यहाँ एक झोपड़ी बनाई जिसमें उनके शिष्य ने गर्जिया माँ की उपासना की थी। महादेव गिरी एक नागा बाबा और तांत्रिक थे जिन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थीं। रामनगर से संवाद 365 के लिए अमित बेलवाल की रिपोर्ट।
आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।